वेलकम टू द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शो विद अजय यादव। दोस्तों, आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो में हम जानने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसका नाम है रोटी कपड़ा मकान। ये फिल्म काफ़ी अच्छी थी और उस समय बहुत बड़ी हिट हुई थी। फिल्म की स्टार कास्ट में है मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और जीनत अमार। फिल्म की स्टोरी लिखी थी, फिल्म को प्रोड्यूस किया था, फिल्म को डायरेक्ट किया था मनोज कुमार ने और ये फिल्म एक्शन ड्रामा थी। फिल्म को रिलीज किया गया था बॉक्स ऑफिस पे 18 अक्टूबर 1974 में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और साथ ही बात करेंगे फिल्म से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें यानी अननोन फैक्ट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पहले बात करते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, रोटी कपड़ा मकान ने अपने डे वन पे कमाई की थी 9 लाख रुपए की। फिल्म का फर्स्ट वीक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 65 लाख रुपए और फिल्म ने कमाई की थी इंडिया में नेट 5 करोड़ 25 लाख रुपए। इसके साथ ही फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 7.5 करोड़ रुपए। दोस्तों, इस फिल्म का बजट था 1 करोड़ 28 लाख रुपए और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर की वर्डिंग मिली थी। इसके साथ ही ये फिल्म 1974 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी और फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग आज के डेट में 6.9 है आउट ऑफ 10। अब बात करते हैं फिल्म से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें यानी अननोन फैक्ट। तो उसके लिए भी एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों, फैक्ट नंबर 1, इस फिल्म का रीमेक बाद में 1986 में तमिल बना जिसके स्टार कास्ट में थे रजनीकांत साहब। फैक्ट नंबर 2, जीनत अमान से पहले ये रोल ऑफर हुआ था शर्मिला टैगोर को, लेकिन शर्मिला टैगोर ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने पहली बार एक कॉलेज स्टूडेंट का रोल प्ले किया था। फैक्ट नंबर 4, इस फिल्म के एक्शन डायरेक्टर थे वीरू देवगन साहब और ये उनकी बतौर एक्शन डायरेक्टर पहली फिल्म थी। फैक्ट नंबर 5, शशि कपूर का रोल पहले नवीन को ऑफर हुआ था लेकिन नवीन ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया था, जिसके बाद ये रोल गया शशि कपूर के पास में। फैक्ट नंबर 6, ये फिल्म जीनत अमान और अमिताभ बच्चन की साथ में पहली फिल्म थी जिसके बाद दोनों ने काफी सारी फिल्मों में काम किया जैसे कि डॉन और अमर अकबर। आप भी इस फिल्म को एक बार जरूर देखें, मुझे फिल्म काफी अच्छी लगी थी। मिलते हैं किसी और फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या किसी लेटेस्ट जानकारी में। जब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शो विद अजय यादव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।